हेलो गाइस, मेरा नाम धर्मेश है और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो जियो का जो सिम कार्ड है उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास जियो का सिम कार्ड है और एक लाइफ का डिवाइस भी है। लाइफ के डिवाइस के होने के बावजूद भी मेरा जो इंटरनेट है वो 2G जैसा चल रहा है। आप तो स्पीड देख ही सकते हो, ऊपर मेरा इंटरनेट स्पीड मीटर ऑन है और आप स्पीड देख सकते हैं 2G जैसा चल रहा है। ऊपर भले ही LTE और वोल्ट दोनों लिखा हुआ आ रहा हो, फिर भी ये बहुत स्लो चल रहा है। और मैं तो खाली 700 MB यूज़ कर चुका हूँ, ठीक है। और मैंने फ़िलहाल एक मूवी डाउनलोडिंग पर रखी है फ्रिकी अली, और एक मूवी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब ये नेट की स्पीड कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है, तो इससे कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है। इसके लिए दो मेथड है, और अगर आपका फर्स्ट मेथड आपके लिए काम ना आए तो आपके लिए सेकेंड मेथड काम का है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट मेथड बता देता हूँ, APN वाला। सेकेंड में जाते हैं, इस वीडियो में जो मैं आपको APN बताऊँगा वो बेस्ट APN होगा। वैसा APN आपको कहीं नहीं मिलेगा, और प्लीज़ वो APN आप चेंज मत करना। कोई भी दूसरे वीडियो में जो APN बताए वो मत डालना, क्योंकि मैं जो APN बताने जाने वाला हूँ वो बहुत अच्छा वाला APN है, ठीक है। मैं आपके लिए एक न्यू APN क्रिएट करता हूँ, इसका नाम आपको डालना है इंटरनेट। एक्चुअली नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेम में आपका नाम डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंटरनेट तो वैसे ही स्पीड बताएगी। और APN में डालना है आपको जियो नेट। याद रखिए दोस्तों, बहुत सारे जन के फोन में ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर हम लिखते हो कैपिटल होता है, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए वरना आपका नेट बहुत स्लो चलेगा। और फिर एजुकेशन टाइप में नून सेलेक्ट कर लेना, और APN टाइप में डिफॉल्ट देना DEFAULT। डिफॉल्ट लिखने के बाद जो APN प्रोटोकॉल है इस पर IPv4 और ये अपॉन IPv6 और नीचे रोमिंग में भी ये डाल देना है। दोनों में ये डालने के बाद ये जो बियरर है यहाँ पे LTE सिलेक्ट कर लेना है। अगर देखो ये सब फोन्स के लिए नहीं है, मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास ट्रू 4G है, या जैसे कि जो वो बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो सिर्फ 4G रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जो ट्रू 4G रहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका ट्रू 4G है या नहीं, तो उसे गूगल पे सर्च कर लीजिए आपका फ़ोन का मॉडल नेम और लिखिए इज़ इट ट्रू 4G, तो गूगल पे बता देगा कि वो ट्रू 4G है या नहीं। अगर आपका फ़ोन ट्रू 4G, जैसे कि मेरा फ़ोन है लाइफ विंडसेज, ये ट्रू 4G है, तो मैं यहाँ पे BRL LTE चेक करूँगा। और अगर आपका फ़ोन ट्रू 4G नहीं है तो आपको अनस्पेसिफाइड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरा फ़ोन LTE है, मैं तो LTE सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ जो कुछ सर्वर दिख रहा है उसमें जाइए, अब यहाँ लिख लिया www.google.com। ठीक है, अब आपको ये APN सेव कर देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास अब दो APN है। अब आपको दो APN नहीं बनाने, ये तो मेरे पहले से सेट है क्योंकि मेरा डाउनलोडिंग चालू है। मैं तो आपको स्पीड बता दिया ना, कितनी स्पीड आ गई है। और याद रखिए डेटा रोमिंग सबसे मेन है, डेटा रोमिंग तो आपका ऑन रहना ही चाहिए। और प्रीफरेंस नेटवर्क टाइप में जाके LTE सेलेक्ट कर लेना, ये ईजी रहता है। अगर आपने BRL में LTE सेलेक्ट किया है तो ही यहाँ पे LTE डालना, अगर आपने BRL में अनस्पेसिफाइड सेलेक्ट किया है तो ये रखना है, ये तीनों का, ठीक है। ये था आपका मेथड 1, इससे ऑलमोस्ट 50% जिन की स्पीड अप टू 300 तक पड़ी जाएगी, ठीक है। अब जो सेकेंड मेथड है वो उन लोगों के लिए जिनने ये APN सेटिंग डाल दी है फिर भी उनकी स्पीड नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये है VPN सेटिंग। आपको क्या करना है, बस अपने प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टर्बो VPN, ठीक है। ये टर्बो VPN कुछ इस तरह का दिखेगा, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। बहुत आसानी से डाउनलोड करना, जब ये डाउनलोड हो जाए तब इसे ओपन कर लीजिएगा। ये बात ध्यान रखिए कि इसे ओपन करने से पहले आपका डाउनलोडिंग पहले से स्टार्ट रहना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में सर्वर लोकेशन सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का फुल नेटवर्क है और इंडिया का फुल नेटवर्क है, ठीक है।
अब आप ऐसा मत सोचें कि आप इंडिया में हैं तो आपका नेट का वही स्पीड पकड़ेगा। इंडिया का सर्वर आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो उसकी स्पीड अब 3 times मोर हो जाएगी, ठीक है। आप इनमें से कोई भी सर्वर कनेक्ट सकते हैं, जिस नेटवर्क फुल होता है मैक्सिमम वही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत फास्ट रहेगा। आप ऊपर स्पीड का नोटिस कर ही चुके होंगे, 50 KB के ऊपर जाएंगे हो रही है, ऑलमोस्ट 40 तक आ रही है मैक्सिमम, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम यूनाइटेड किंगडम थे, ये करेक्ट नहीं हो पाया। अगर एक बार में करेक्ट ना हो जाए तो दूसरी बार भी ट्राई कीजिएगा। ओके, अगर ये फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा है तो भी एक सोल्यूशन है, आप नोटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ भी अभी लिखा हुआ आ नहीं रहा है फिलहाल, जब ATL सेटअप हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा हुआ था। एक काम करते हैं, इसे हम रिपेयर करते हैं एक बार। ओके, अब ये थोड़ा नीचे चला गया, चलिए इंडिया सेलेक्ट करते हैं एक बार। आप लोग बस स्पीड नोटिस करते रहना, जब सर्वर कनेक्टेड हो जाएगा तब कैसे स्पीड आएगी। ओके, तो एक्चुअली सिलेक्ट हो चुका है, ये तो एडवर्टाइजमेंट है। तो आप ऊपर स्पीड देख सकते हैं, फिर आपने स्पीड तो परफेक्टली नोटिस की होगी, पहले की स्पीड और अब की स्पीड। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इंडिया का जो सर्वर है, आप ये सोचेंगे कि इंडिया के सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पीड थोड़ी बढ़ेगा क्योंकि हम तो पहले से इंडिया के सर्वर से कनेक्टेड हैं। एक्चुअली वो आपकी स्पीड बैंड का कैरेक्टर, और VPN जो है वो आपकी स्पीड पूरी अनलॉक कर लेता है। और अब आपकी स्पीड 3 times इंक्रीज हो चुकी है, ऑलमोस्ट मेरी तो 5 times तक इंक्रीज हो चुकी है, और आप देख सकते हैं क्या मस्त स्पीड ऊपर चल रही है। फिलहाल अभी 1 point नेटवर्क कम आ रहा है जियो का, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फुल नेटवर्क हो जाएगा तब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अप टू 1 MB या 2 MB तक हो जाएगी इसकी स्पीड। तो इस तरह आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो जियो की। गाइस, अगर आपने इसे टेस्ट किया हो और आपका सक्सेसफुल टेस्ट हो गया हो तो फिर प्लीज़ मेरे को लाइक दे दीजिएगा मेरे वीडियो को। और अगर आप, मेरे को पता है यूज़ करने के बाद कंटाल आता है लाइक देने का, वापस आके यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ के, फिर काम कीजिएगा, अभी लाइक दे दीजिए और इसे पूरा ट्राई कीजिएगा, ये पक्का काम करेगा, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना तो मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। थैंक्स।